नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन महंगी फीस और बस्तों के बोझ से दब रहे हैं बच्चे। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में, शहर का कोई भी प्राइवेट स्कूल हो उसकी फीस इतनी महंगी है कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कुछ स्कूलों के नाम तो बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। इधर आम अभिभावक के मन में एक बात घर कर गई है कि शासकीय स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती और कंपटीशन के चलते वह महंगे अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन तो करवा देता है लेकिन वहां की महंगी फीस से खुद परेशान हो जाता है। वही बच्चों के ऊपर काफी किताबों का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या इतनी सारी काफी किताबें एक दिन में शिक्षक लोग पढ़ा देते होंगे जितना उनके बस्ते में बोझा होता है। हमारा चैनल लगातार स्कूलों की खामियों के बारे में उजागर कर रहा है। पालक तो इन स्कूलों की महंगी फीसों से परेशान है, बच्चे भी बस्ते के अतिरिक्त बोझ से दबे जा रहे हैं। वही इन किताबों का कुछ दुकानों से ही मिलना और दुकानदारों द्वारा मनमाना मूल्य वसूलना भी संदेह के घेरे में डालता है। स्कूल के संचालक कितना ही दावा करे कि हम किसी भी अभिभावक को मजबूर नहीं करते कि वह किसी नियत दुकान से स्कूल की किताबें कापियां ले या ड्रेस ले, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ऐसा सब कुछ होता है। अभिभावक इसलिए कुछ नहीं बोल पाते, उन्हें डर लगा रहता है कि उनके बच्चों के नंबर काट लिए जाएंगे। इसी डर का प्राइवेट स्कूल वाले फायदा उठाते हैं और यह गोरख धंधा बरसों से चला रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, अभिभावक के डरे हुए हैं और स्कूलों की लूट खसोट अनवरत जारी है। अब देखना यह है कि जिनके कंधों पर इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी है वह अपने कर्तव्य समझकर कब कुंभकर्णी नींद से जागते हैं और कब लगाम लगा पाते हैं इस गोट धंधे पर। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो स्कूल में बच्चों को काफ़ी किताब दे रहा है, 10-10, 20-20 किलो का वजन इतनी काफ़ी है जा रही है, जो बच्चे का वो काफ़ी है, किताबें पूरी पढ़ लेते हैं क्या? 10 की काफी सीढ़ी है बस्ते में भरने की, उसमें 20 काफ़ी किताबें भरते हैं और 4-6 दिन के बाद बच्चे आ जाते हैं मेरी दुकान पर, भैया बस्ता फट गया आपका। अब आपके स्कूल वाले इतनी काफ़ी दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं बच्चों के लिए, 10-10, 20-20, 30-30 काफ़ी किताबें दे रहा है, उसमें पढ़ना है नहीं उनको, उसमें तो मुश्किल से पढ़ेंगे वो 2 या 3 किताबें, इसके ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है क्यों दे रहे हैं सर? अब आप, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी काफ़ी का एक दिन बच्चे पढ़ लेते हैं क्या? पूरी काफ़ी किताब पढ़वा लेती हैं मैडम क्या? जितने बच्चों को दे रहा है, जितना उनका वजन नहीं उससे ज़्यादा वो काफ़ी किताबों का बच्चों का वजन लेके जा रहा है। 4 काफ़ी किताबें पढ़ने की होती हैं, 8 होती हैं, 10 होती हैं, इतनी ले जाएं। अच्छा बस्ते में इतनी भरते हैं तो भर नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी है 12-15 काफ़ी की, वो भरवा लेती है 20 काफ़ी, 25 काफ़ी। तो इसलिए मेरे पास ग्राहक वापस आ जाता है, भैया ये बस्ता फट गया। स्कूल वालों से कुछ नहीं कहते, स्कूल वालों की मनमानी चल रही है इस समय। वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी कहाँ से लेना है, फलानी दुकान पर चले जाइए, ड्रेस कहाँ से लेना है, फलानी दुकान पर चले जाइए, और वो लेते हैं फिर मनमांगे रेट। 75 रुपये की जो किताब होती है, काफ़ी होती है, उसके पैसे लगाते हैं 175 रुपये, डबल ट्रिबल लेते हैं। अच्छा स्कूल वाले कहते हैं फलाने जगह से ही लाना, तो वहीं से लाते हैं, ड्रेस फलाने जगह मिलेगी आप वहाँ जाइए, बच्चों की टाई फलाने जगह मिलेगी वहाँ जाइए। काफ़ी किताबें इतनी दे रहा है कुछ बता नहीं सकता मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ऐसा कोई स्कूल है जो जायदाद और बनाता हो? ऐसा तो मुझे नहीं मालूम, मना मैं तो बेटा सब आते हैं मेरे कने, बच्चे लोग भी आते हैं, उनके माता पिता भी आते हैं, वो कहते हैं भैया, हम कहते हैं भाई आप एक बात बताओ मुझे, कई स्कूल वालों से जे क्यों नहीं कहते, तो उसमें आप काफ़ी इतनी रखो किताबें इतनी रखो, आप 10 की है कैपेसिटी बस्ते की भरने की, आप 30-30, 40-40, 20-20 काफ़ी भर रहे हैं, जबरन ठूस रहा हूँ उनके लिए, बस्ता फट जाता है और मेरे पास फट जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष पड़वा। हमारे बच्चे, हमें 3 साल से हमारे बच्चा पढ़ रहा था। कहाँ पे? 3 साल से रायसेन पब्लिक स्कूल में रहा, फिर आरजी में हमने उसको करा और गाड़ी आती थी, गाड़ी से नहीं जाना आना, विवाह हम 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुके जी। इसके बाद भी हमारे बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमने निकाल के फिर सरकारी स्कूल में ग्राम धनोरा में फिर से उसका एडमिशन करा दिया। आज 4थी क्लास में हैगा, दोनों मेरे बालक हैं, 2 बालक हैं, दोनों उसी में स्कूल में नहीं बुक कर रहा है। तो उसमें पढ़ाई का स्तर कुछ ऊँचा हुआ कि नहीं हुआ सरकारी में? हाँ सरकारी में नहीं, ये है कि थोड़ा हमें घर से भी करना पड़ता है, जैसे प्राइवेट देखे जाएँ तो प्राइवेट के हिसाब से 1 लाख रुपए जो हमने खर्च करा तो उसका तो हमें कोई फायदा नहीं मिला। हमारा बच्चा गया जाया आया सब कुछ करा हमने, गाड़ी का किराया भी दिया, स्कूल में भी एडमिशन सब कुछ करा, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं। क्या नाम है आपका? लीलाधर मेरा हूँ, मेरे बच्चे का नाम गजेंद्र,
एक छोटे का नहीं। लोगों का ये कहना है पालकों का कि आपके यहाँ फीस का रेट कुछ ज्यादा है अन्य स्कूलों की जगह। आप एक तरफ तो ये कह रही हैं कि हम काफी ध्यान रखते हैं और दूसरी तरफ आपका रेट बहुत अधिक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा स्कूल का रेट इतना नहीं। हम लोग टीचर्स को फीस देने सैलरी देने के हिसाब से हमारा फीस बहुत लो है। आप भोपाल में जाके देखो, अन्य स्कूलों में जाके देखो, हमारा स्कूल के डबल है पूरा फीस। नहीं, रायसेन की बात कर रहे हैं अपन, भोपाल का भी हम लोग बोल रहे हैं। रायसेन में हम लोग को भी पूरा टीचर्स, कितना टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबका फीस सैलरी देना है। वो हमेशा ये शर्त रखते हैं बच्चों से कि जो भी किताबें वो बुकें कापी है आप खरीदेंगे तो वो हमारे दी हुई दुकान से ही आप क्रय करेंगे, जो कि वास्तव में देखा जाए तो ये नियम बिल्कुल गलत है और ये मनमानी है। इस पर बिल्कुल रोकना रखना चाहिए प्रशासन पे, शासन को बहुत कड़े से कड़े नियम बनाना चाहिए ताकि वास्तव में जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी भी दुकान से खरीद सकें ताकि आर्थिक रूप से उनको हानि ना हो। क्या नाम है आपका? मिठाई लाल साग। फीस तो मनमाफिक वसूल रहे हैं, बाकी ड्रेस का तो जिसके पास अवेलेबल है वो दे रहा है। मतलब आपको लगता है फीस मनमानी वसूल भजन लगता है आप लोगों को बस्ते का? हाँ। अच्छा, हाँ। क्या चाहते हो आप लोग? क्या हो कौन सी पढ़ते हो? ये बस्ते का भजन लगता होगा ना खूब सारा लगता है। क्या नाम है? कौन सी पढ़ते हो बेटा? बस्ते का भजन लगता है आपको खूब सारा? कुछ किताब कम हो जाए तो आप खुशी होगी क्या?